नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और मैं हूं दीपक कुमार तिवारी। प्रस्तुत है पब्लिक न्यूज टीवी पर बिहार की प्रमुख खबरें। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑनलाइन रिमोट के माध्यम से राज्य भर में 2705 करोड़ रुपए की लागत से स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, कार्य का आरंभ, उद्घाटन एवं लोकार्पण कर रहे थे। टेली मेडिसिन के माध्यम से कितनी सुविधा होगी, कहीं पर भी कहीं जो कोई इलाज कराना चाहेगा तो उसको किस तरह से दूसरे अस्पतालों से चिकित्सक लोग उपलब्ध होंगे, उसके तकलीफ को देख करके, स्थिति को देख करके, तो टेली मेडिसिन का भी काम आपको बता दिया गया। और किस तरह से जो अनुपयोगी उपकरण, आप सोच लीजिए क्या बुरा हाल, कहां कहां कितना पड़ा रहता, सबको हटाने के लिए और उसको जो बिक सकता है उसको बेच देने के लिए जो काम शुरू किया, बहुत अच्छा काम किया था। शुरू शुरू में तो हम लोगों ने एक बार बहुत पहले से IGIMS में कुछ काम शुरू किया था, लेकिन उसके बाद वो काम ज्यादा बढ़ा नहीं। लेकिन अब जो तय हो गया कि हर जगह और सभी अस्पतालों में करेंगे, वैसे तो ये काम अन्य जगहों पर भी होना चाहिए। उधर आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई जिसमें कई एजेंडों पर निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा बताया गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत बिहार नगर पालिका भवन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा शर्त के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, बिहार सरकार में लघु जल संसाधन एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की उपस्थिति में मुंगेर परमंडल हम पार्टी की बैठक की गई। बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के पटना आवास पर की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ने कहा, हम पार्टी गरीबों की पार्टी है जिसकी मंजिल ऊंची है और गरीबों की लड़ाई को लक्ष्य तक पहुंचाना कर्तव्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य भर में COVID-19 वैक्सीनेशन में बेहतर कार्य के लिए पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए राज्य भर में पूर्वी चंपारण वैक्सीनेशन कार्य क्षेत्र में अव्वल रहा है। वैक्सीनेशन के मामले में राजधानी पटना पहले नंबर पर है तो पूर्वी चंपारण दूसरे नंबर पर आया है, लिहाजा यहां के जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया है। चंपारण में 4 दिनों से लापता पत्रकार मनीष का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेज दिया। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में पत्रकार के पिता के आवेदन पर 2 साथियों को पुलिस पहले से ही हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में दर्जन भर लोगों को आरोपित किया गया है। हत्याकांड से जुड़े हुए विभिन्न मामलों में पुलिस तहकीकात कर रही है। बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए सुगौली चीनी मिल प्रबंधक फिक्रमंद हैं। DGM ने इस मामले में कहा है कि किसान हताश नहीं हो, खाली खेतों में गन्ने की सीधी बुआई करें। अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों सहित बंजरिया प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया, जहां गन्ना किसानों के साथ उन्होंने बैठक की, उनकी समस्याओं को सुना एवं उनके समाधान के रास्ते बताए। उधर मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के भर्राही ओपी के चौसायर गांव निवासी दर्जनों लोगों ने पुलिस पर झूठे मुकदमा में फंसाकर परेशान करने का आरोप लगाया है। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस के वरीय अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। आवेदन देने के बाद जांच के लिए पदाधिकारी गए थे, जांच किए, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग जो है उसके बाद 6-8 हम लोग आवेदन दिए थे 28-7 को, उसके बाद पता चला कि 6 तारीख को 8वां महीना में उल्टे हम लोगों के ऊपर, ग्रामीण के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। कितने लोगों के ऊपर? उसमें 6 आदमी का नाम दिया गया है सर, जिसमें कि उसमें जिस हम लोग जो आवेदन दिए थे उस आवेदन में जो गवाही का नाम है उस गवाही के ऊपर ही FIR दर्ज कर दिया गया है। उधर मधेपुरा सदर अस्पताल में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आहार दीदी की रसोई का उद्घाटन किया। यह एक अस्पताल का कैंटीन है जहां न सिर्फ अस्पताल के मरीजों के लिए खाना बनेगा बल्कि उसके परिजन और बाहर के लोग भी जीविका दीदियों के हाथों से बना स्वादिष्ट खाना खा सकेंगे। आज जो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया तो एक एक चीज के बारे में आपने बताया है, और इन सब चीजों को न सिर्फ यही आना चाहिए बल्कि एक एक चीज की जानकारी मिलनी चाहिए। अच्छा कार्यक्रम किया, एक एक बात को बता दिया कि दीदी को रसोई उपलब्ध कराने के लिए, सोच लीजिए इसी बार कुछ जगह पर रसोई करा रही थी, हम गए तो देखा तो हमने कहा कि भाई इसको पूरा करना चाहिए, कार्यक्रम बन गया। अब कितना दीदियां रसोई उपलब्ध करा रही हैं, तो जो दीदी की रसोई कहा गया उसके बारे में भी बताया गया आपको कि किस तरह से अस्पतालों में भी
जो दीदियां हैं वो इस तरह का काम करेंगी, तो किस तरह से हम लोगों ने हर प्रकार से काम किया है और कितने तरह से अब महिलाएं जुड़ गई। सासाराम जिला मुख्यालय के समाहरणालय स्थित DRDA सभागार में ई संजीवनी योजना के विस्तारीकरण को लेकर बैठक की गई। ई संजीवनी OPD एवं कई अन्य योजनाओं का मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया, कार्यक्रम आयोजित की गई थी। देखिए, हम लोगों ने बहुत से स्कीम्स बना करके स्वास्थ्य विभाग को मतलब भेजा था, उसमें हर एक विधानसभा वार APHC सेंटर का होना था और जितनी भी स्कीम्स भेजी गई थी स्वास्थ्य विभाग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आज उसी का शिलान्यास था। इसके साथ साथ दूरस्थ एरिया रेहल है वहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से फोन कॉल के माध्यम से हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। सासाराम से खबर मिल रही है जहाँ जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने आज रोहतास जिला में विकास संबंधी जानकारी देने के लिए एक पुस्तक का अनावरण किया। इस दौरान माले विधायक अरुण कुमार तथा राजद विधायक राजेश कुमार गुप्ता भी उपस्थित थे। सासाराम के समाहरणालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पुस्तक के माध्यम से जिला के विकास को परिलक्षित किया जाएगा। इसके साथ साथ ही रोहतास वातायन नाम से हम लोगों का एक जस्ट स्टार्टअप है, मतलब जस्ट स्टार्ट किया गया है कि रोहतास में जितना भी ग्रोथ का काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, वो लोगों की जानकारी में होना चाहिए। तो हम लोग का जस्ट एक स्टार्ट है, बाकी रिस्पांस देखते हैं, यदि अच्छा रिस्पांस रहेगा तो हम लोग और ज़्यादा इनलार्ज करेंगे। बिहार के रोहतास से खबर मिल रही है जहां सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि डेहरी से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हुआ था। फेसबुक पर वायरल इस वीडियो में 2 शख्स अपनी कार के बोनट पर पिस्टल रखकर डेहरी के अति संवेदनशील इलाकों में खुलेआम घूमता नजर आ रहा था। कार के बोनट पर पिस्टल रखकर भोजपुरी गाना बजाते हुए गाड़ी चलाने का यह वीडियो था। सोशल मीडिया पर खासकर फेसबुक पर यह तेजी से वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई की है, इसे गंभीरता से लिया गया था। इस मामले में 2 युवक की गिरफ्तारी की गई है। सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अभिनयास्त्र का वीडियो वायरल किया गया था तथा फेसबुक लाइव के माध्यम से उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस मामले में काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा SDPO डेहरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस वीडियो बनाने वाले दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से जो अवैध अग्नियास्त्र जो को बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। वेलता रेलवे स्टेशन के नजदीक एक अज्ञात वृद्ध महिला का शव मिला है। रेल से कटकर उसकी मौत की घटना सामने आई है। जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। इस हादसे के बाद यहां लोगों की काफी संख्या में भीड़ जुट गई थी। तारापुर में सफाई कार्य में अवरुद्ध पैदा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तारापुर में कार्यपालक पदाधिकारी प्रथमा शुभंकर ने हालात का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी।